हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर गार्डनिंग गार्डन। फ्रेंड्स, आज हाँ मैं जो आपको पौधे लगाना दिखा रही हूँ, ये सर्दियों के बहुत खूबसूरत फ्लावर गजानिया है। ये मैं नर्सरी से 4 प्लांट लेके आई थी गजानिया के, और इसकी सॉइल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये प्लांट, और ये ईजिली किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। लेकिन इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, तो वेल ड्रेन मिट्टी हो तो बेटर है। तो वेल ड्रेन मिट्टी में कहने का मतलब आपके गार्डन सॉइल में आप थोड़ी सी रेत है जो वो मिक्स कर लें। तो जब इसको हम लगाएंगे प्लांट को इसको, तो उसी में आप जो ऑर्गेनिक खाद है वो आप मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इस प्लांट के लिए। क्योंकि मोस्टली जैसे हम अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करती हूँ मैं, तो मैं केमिकल जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ नहीं करती। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी रेशो क्या है। तो मैंने 60% ली है गार्डन सॉयल, इसमें सैंड मिक्स करी है। तो ये मेरी गार्डन सॉयल नॉर्मल गार्डन सॉयल है, और ये आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने 20% मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट है, और 20% ही मैंने काउ डंग है। तो ये दोनों कंपोस्ट है, तो ये मैं इस मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। तो इससे मैं इस पॉट में, आप 10 इंच का पॉट ले लें। तो ये प्लांट है, क्योंकि ये काफ़ी फैलता है, आप एक प्लांट एक ही पॉट में लगाएं तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा जो है अपना जो नीचे है जो इसके न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो उसी से आप जो प्लांट्स हैं और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये प्लांट बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल आते हैं। तो ये प्लांट है जो ये सन लविंग है, तो फुल सन में आप इनको रखेंगे तो ये आपको फूल बहुत ज़्यादा देगा। तो बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं, आप सर्दियों में एक बार इसको गमले में पानी दे दोगे तो ये सर्वाइव करता रहेगा। तो यही इसी प्लांट को आप गर्मियों के लिए भी ये रख सकते हो, अगर थोड़ी आप केयर करोगे तो गर्मियों में भी ये प्लांट पूरा साल ही आपको फूल देता रहेगा। तो इसमें से 2 प्लांट मैं गमले में लगाऊंगी, और ये 2 प्लांट है वो मैं ग्राउंड में बेड पे लगाऊंगी, क्योंकि ग्राउंड पे लगाने से इसको ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है जो ज़मीन से ये खींचता रहता है, तो वहाँ पर इसके मल्टीप्लाई होने का जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो प्लांट मैं वहीं जो क्यारी मेरी बनी हुई है तो उसी में मैं लगाऊंगी। तो 2 प्लांट मैं पॉट में आज लगाने वाली हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे प्लेस करना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो सारी हमारी जो मिक्सचर है इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप इस सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लें।